हेलो दोस्तों, मैं प्रकृति। आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, हम फिर आज बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर एक अभी अखबार में एक न्यूज़ आई थी सुबह हिंदुस्तान में। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि हाई कोर्ट ने, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे, हाई कोर्ट ने फैसले को लागू न होने पर अपनी नाराज़गी जताई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि, और हम बात करेंगे कि कब तक जाएगी सरकार डबल मेंटेनेंस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट के फैसले को लागू ना होने पर जताई नाराज़गी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 29 मार्च 2019 को माननीय जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी ने रिट संख्या 1188 मोहम्मद रिजवान अंसारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी पर ऑर्डर दिया था कि भर्ती उत्तीर्ण अंक 40-45 पर संपन्न कराए जाए, लेकिन अब तक 16 दिन का समय निकल चुका है। प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि वह डबल बेंच में अपील करने के लिए तैयार है। यह भी सच है कि 40-45 भर्ती को लेकर कोई भी ऐसी घोषणा अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं की गई है। दोनों ही उस स्थिति में संशय बरकरार है। उम्मीद है कि सरकार बीएड बीटीसी को देखते हुए डबल बेंच में अपील फाइल करने की करेगी, लेकिन आधिकारिक पुष्टि न होने की वजह से अभी इस पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। शिक्षा मित्रों ने सरकार से एक कदम आगे चलते हुए डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट दोनों में कैविएट फाइल कर दी गई। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि शिक्षा मित्र हमेशा एक कदम आगे रहे हैं। उन्होंने डबल बेंच के लिए अपनी डबल बेंच में जाएगा, सरकार तो उससे पहले ही अपनी कैविएट फाइल कर चुके थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यही है कि दोस्तों, जो हाईकोर्ट है, वो हाईकोर्ट ने जो अभी 29 मार्च की जो भी मैंने बताया वो लागू नहीं किया, उस पर कोई भी अपना स्टैंड भी क्लियर नहीं किया, डबल बेंच पे जाएगी या नहीं जाएगी, और ना ही कोई भी उन्होंने अपनी उत्तर कुंजी या रिजल्ट भी, ऐसा कुछ भी स्टैंड उन्होंने क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से हमें पता चले कि सरकार क्या करना चाह रही है। इसलिए हाईकोर्ट अपनी नाराज़गी जता रहा है, और देखने को सुनने को आ रहा है कि देखते हैं आने वाले टाइम में सरकार काफ़ी जल्द ही अपना स्टैंड क्लियर कर देगी। और मैं आप सभी लोगों को उसकी कटिंग दिखा देती हूँ। जी दोस्तों, चलिए हम चलते कटिंग की तरफ। तो ये है दोस्तों जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई है हाईकोर्ट, ये थोड़ा मेरे से गलत क्लिक हो गया, तो कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बट मैं आपको क्लियर सुना देती हूँ। हाईकोर्ट के आदेश लागू ना होने पर जताई नाराज़गी जताई। उत्तर प्रदेश दूर बी टी सी शिक्षा संघ की बैठक सदर बीआरसी पर शनिवार को हुई। इसमें लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश को अमल कर लाए जाने पर नाराज़गी जताई गई है। इसमें बस वही दिया हुआ है कि जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि सरकार ने अभी तक अपना कुछ भी स्टैंड क्लियर नहीं किया डबल बेंच की चीज़ कि वो जाएगी या नहीं जाएगी, तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है। देखते हैं दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए कि कब तक सरकार अपना स्टैंड क्लियर करेगी और कब तक हमें डबल बेंच में जाएगी या नहीं जाएगी, इस चीज़ की बात क्लियर हो जाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपको आने वाले टाइम में सही सही न्यूज़ आपको दे सकूँ। ठीक है, फिर जब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।